हाउ टू डाउनलोड एंड्रॉयड फॉर योर फोन, आपकी फोन के लिए एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड है या जो फ्लैश फाइल है उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा। आपको नेट चलाना आता है तो नेट खोल के गूगल खोल लीजिए, google.com में जाइए, वहां पे आपको लिखना होगा फ्लैश फाइल फॉर और फर्मवेयर फाइल। आप फ्लैश फाइल भी लिख सकते हैं, नहीं तो फर्मवेयर फाइल भी लिख सकते हैं। फर्मवेयर फाइल फॉर मोबाइल ब्रांड, जैसे आपका मोबाइल कौन सा है, मानिए सैमसंग कंपनी का मोबाइल आप यूज कर रहे हैं तो फ्लैश फाइल फॉर सैमसंग, उसके बाद आप मॉडल नंबर लिख लीजिए, जैसे मानिए SM G130E। मॉडल नंबर तो आपको बैटरी निकाल के उसके पीछे भी देख सकते हैं, या मोबाइल के अबाउट में जाके, सेटिंग में जाके, अबाउट में जाके आप मोबाइल का मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। तो ये मोबाइल का मॉडल नंबर, कंपनी का नाम, उसके बाद मोबाइल का मॉडल नंबर देके आपको गूगल में ये चीजें सर्च कर लेनी है। सर्च कर लेने के बाद आपको बहुत सारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में से जो आपको सुटेबल आएगा वहां से ये फ्लैश फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड यही जैसे किटकैट हुआ तो कम, उससे जो जो नया लेटेस्ट वर्जन है उसी अनुसार इसका साइज बढ़ता जाएगा, और उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद जब भी आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको जिप फॉर्मेट में आएगा। जिप फॉर्मेट मतलब कंप्रेस्ड फॉर्मेट। मान लिया डाउनलोड करते वक्त आप 508 MB आ गया तो उसका एक्चुअल साइज इतना नहीं होता है, अब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो लगभग 923 MB की फाइल बन जाएगी। मतलब जो नेट में फाइल होती है वो जिप फॉर्मेट में होती है, जिप मतलब कंप्रेस्ड करके रखा हुआ होता है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, इसको खोलने के बाद उसका साइज ओरिजिनल साइज में आता है। तो कभी भी आप फाइल डाउनलोड करें तो अगर वो जिप फॉर्मेट में है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करके आप उसका ओरिजिनल साइज में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अब सिर्फ यही फाइल डाउनलोड करने से नहीं होगा, इसके बाद आपको एक और फाइल डाउनलोड करनी होगी जिसको फ्लैश टूल बोला जाता है। जैसे व्हाट आर द अदर फाइल्स यू हैव टू डाउनलोड, दूसरा क्या फाइल है जो आपको डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको एक और फाइल डाउनलोड करना है। उसका मेन पर्पस क्या है, टू ट्रांसफर द फ्लैश फाइल टू योर सेल फोन, अ फ्लैश टूल इज रिक्वायर्ड व्हिच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मोबाइल मॉडल्स ऑफ मोबाइल। जैसे आपको आपने जो एंड्रॉयड डाउनलोड किया पहले उसको आपके मोबाइल में ट्रांसफर करना होगा, तो ट्रांसफर आप नॉर्मली कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक फ्लैश टूल जरूरी होता है। जो फ्लैश टूल भी मोबाइल के मुताबिक डिफरेंट होता है, जैसे सैमसंग के लिए एक टूल यूज होगा तो एलजी के लिए और ही, और सोनी इरिक्शन के लिए और, चाहे नोकिया के लिए अलग, सोनी के लिए अलग टूल हो यूज होगा। तो चलिए जानते हैं सैमसंग के लिए कौन सा टूल आपको डाउनलोड करना है। अगर आपका मोबाइल सैमसंग कंपनी का है तो आपको ओडिन डाउनलोड करना होगा, ओडिन का भी डिफरेंट वर्सन आता है और उसमें से आप कोई वर्सन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका फोन एलजी है तो आपको एलजी फ्लैश टूल कहके एक फ्लैशर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद चाइनीज मोबाइल है तो आप एसपी फ्लैश टूल या एसपीडी टूल डाउनलोड कर सकते हैं, एसपीडी टूल से चाइनीज को भी आप फ्लैश कर सकते हैं। नोकिया के लिए फोनिक्स डाउनलोड करना होगा, सोनी के लिए सोनी टूल, रेडमी के लिए एमआई टूल या एसपी फ्लैश टूल से भी आप चाइनीज रेडमी को फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये फ्लैश टूल का काम क्या है, जो आप मोबाइल के लिए जो सॉफ्टवेयर आप पहले डाउनलोड किए इससे पहले फर्स्ट स्टेप में, उसको ये कंप्यूटर से लेके मोबाइल में ट्रांसफर करती है। तो बिना ये टूल को बिना ये टूल आप फ्लैशिंग नहीं कर सकते। पुराने मोबाइल के लिए इस तरह की बॉक्स यूज होती थी जिसको सॉफ्टवेयर बॉक्स बोला जाता था, तो नए मोबाइल जो स्मार्टफोन है उसके लिए बॉक्स का जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली विदाउट बॉक्स इस टूल्स की सहायता से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो इसको भी सेम प्रोसेस, आप गूगल में जाके आपको जो टूल चाहिए, ओडिन चाहिए तो ओडिन लिख दीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, एलजी के लिए चाहिए तो आपको एलजी फ्लैश टूल करके डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो ब्रांड, जिस ब्रांड का मोबाइल है उसके अनुसार आप फ्लैश टूल डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका साइज बहुत छोटा है, जैसे 5 MB, 10 MB या 2 MB का साइज होता है, तो ये डाउनलोड करने में आपका उतना ज्यादा वक्त नहीं लगेगी। उसके बाद और भी कुछ आपको चाहिए क्या, चलिए जान लेते हैं। यस, आपको एक और चीज चाहिए, आपको जो चीज चाहिए उसका नाम है यूएसबी ड्राइवर। यूएसबी ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जैसे आप मोबाइल, जैसे सॉफ्टवेयर डालते वक्त आपका मोबाइल कंप्यूटर से जोड़ना पड़ता है, कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ता है, तो जब भी आप कोई डिवाइस कंप्यूटर में जोड़ेंगे तो आपका डिवाइस कंप्यूटर को, कंप्यूटर
आपका डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आपको नहीं पहचानेंगे उस डिवाइस को। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में एक ड्राइवर रखना पड़ता है जिसको यूएसबी ड्राइवर बोला जाता है। तो आपका जो भी फ़ोन है उसका सूटेबल यूएसबी ड्राइवर आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे यूएसबी ड्राइवर फॉर मोबाइल फ़ोन, सो दैट योर मोबाइल कैन डिटेक्ट इन कंप्यूटर। और ये यूएसबी ड्राइवर डालने के बाद आपका मोबाइल क्या होगा, कंप्यूटर में डिटेक्ट हो जाएगा और कंप्यूटर आपकी मोबाइल को पहचानेगी। और उसके बाद ही फ्लैशिंग टूल जो था, जो ओडिन था, जो फोनिक्स था, वो टूल आपका जो एंड्रॉयड है उसको आपकी मोबाइल में ट्रांसफर कर पाएगी। जब तक मोबाइल डिटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्लैशिंग का कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी वही है, सेम गूगल में जाके आप डाउनलोड कीजिए, आप यूएसबी ड्राइवर फॉर आपका मोबाइल का मॉडल नंबर लिख दीजिए और उसको गूगल करके आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हो गया आपका प्रिपरेशन। जैसे फाइल फ्लैशिंग करने के लिए आपको फ्लैश फाइल मेन क्या क्या चाहिए, एक फ्लैश फाइल चाहिए, दूसरा फ्लैश टूल चाहिए और तीसरा यूएसबी ड्राइवर चाहिए। ये तीन फाइल आपको डाउनलोड करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं मोबाइल में तो ये तीन फाइल आपको डाउनलोड करके रख लेनी है, उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों सॉफ्टवेयर कब डालें, जैसे मोबाइल ज़्यादा हैंग हो रही है या मोबाइल ऑन हो रही है पर उसका लोगों के आगे कुछ बढ़ नहीं रही है, या मोबाइल में कोई एप्लीकेशन खोलने के बाद वो एप्लीकेशन में इरर आ रही है, उसको रीसेट करके भी देखें लेकिन फिर भी नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो इस तरह का प्रॉब्लम के लिए आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। या कैमरा सपोर्ट नहीं हो रही है या मेमोरी सपोर्ट नहीं हो रही है तो उसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर करके एक बार देख सकते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर करना कैसे ये देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर करने के लिए आपका सबसे पहले जैसे प्रोसेस ऑफ फ्लैशिंग, सॉफ्टवेयर करने की जो प्रोसेस है, जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने की प्रोसेस है उसको फ्लैशिंग बोला जाता है, क्योंकि जो मेमोरी है जहाँ पे सॉफ्टवेयर मोबाइल के अंदर जाके बैठती है उसको फ्लैश मेमोरी बोला जाता है, और तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को फ्लैशिंग भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट क्या करना होगा, आपका यूएसबी जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर पाएगी, मोबाइल को पहचान पाएगी। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड में ओपन फ्लैश टूल को खोल लेनी है, जैसे ओडिन या एसपी फ्लैश टूल या फोनिक्स, जो भी आपका मोबाइल का जो फ्लैश टूल है उसको खोल लेनी है। खोलने के बाद अपलोड फ्लैश फाइल इन द फ्लैश टूल, जैसे आपका जो एंड्रॉयड फाइल जो डाउनलोड की है उसको फ्लैश टूल में ऐड कर देनी है, उसको उसमें अपलोड कर देनी है। उसके बाद क्या करनी है, स्टार्ट द प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है। और प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आप जैसे किसी में स्टार्ट लिखा आएगा, किसी में डाउनलोड लिखा आएगा, किसी में अपडेट लिखा आएगा, इस तरह का डिफरेंट ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन आप को मिले वहाँ पे क्लिक कर देनी है और फिर वेट अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट। जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक वेट करनी है, बीच में नहीं रुकनी है, जैसे बीच में कंप्यूटर ऑफ नहीं करनी है और मोबाइल को भी बीच में से नहीं निकालनी है। जैसे ओपन फ्लैश टूल, अपलोड फ्लैश फाइल, उसके बाद स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कनेक्ट मोबाइल को कनेक्ट मोबाइल विथ कंप्यूटर विथ डाटा केबल। अपने मोबाइल को जैसे स्टार्ट में क्लिक करने से पहले आपका जो मोबाइल है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है डाटा केबल के मीडियम से। कनेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट में क्लिक कर सकते हैं और जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो आप मोबाइल को मूव नहीं कीजिए, मोबाइल को एक जगह पे रख दीजिए, आराम से प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही मोबाइल को निकालिए। बीच में अगर मोबाइल निकाल लेंगे तो मोबाइल डेड भी हो सकती है, इसीलिए मोबाइल को कभी भी मूव ना करें दोस्तों। सॉरी। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस सॉफ्टवेयर डालने की, ये तो मैंने थ्योरेटिकल बातें बोल दी, अब इसका प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।